नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पलिया गांव निवासी अनुराग कुमार आगर प्रसाद का नेशनल क्रिकेट लीग उत्तर प्रदेश अंडर 16 में नाम चयनित होने पर उनके घर पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बस्ती क्षेत्र अधिकारी अंबिका राम ने अनुराग कुमार को रुद्रपुर में स्थित यूनियन बैंक पर मिलकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अनुराग कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरा रोल मॉडल खिलाड़ी इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, उन्हीं की तरह मैं खेलना चाहता हूं। अनुराग कुमार ने बताया कि मेरे सफलता में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो मेरे पिताजी का और मेरे भाई का है। जी सर, खेल के मामले में तो सब लोगों से हमारा यही हो जाता है कि अच्छा से खेलें और हमारा लड़का खेल रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मतलब और भी अच्छा से खेलो ताकि पूरा जिला, प्रदेश और गांव का नाम रोशन है। पीलीभीत के पुरनपुर तहसील इलाके में एक युवक को बाइक चोरी के शक में बिजली के पोल से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पुरनपुर तहसील इलाके के पुरनपुर देहात इलाके का, जहां बीते दिन बाइक चोरी के शक में स्थानीय निवासियों ने एक नशेड़ी युवक को पकड़ लिया, बाद में उसको एक बिजली के पोल से बांध दिया, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को मिली, तब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जानकारी ली। बाद में स्थानीय निवासियों ने नशेड़ी युवक को छोड़ दिया। इन लोगों ने तुम्हें क्यों बांध रखा है यहाँ पे? क्या भाई, खाली आए यहाँ पे बस। क्यों बांध आए इन लोगों ने? दो मिनट खड़े अंदर क्यों चलेगा भाई, इतनी बात है। उतर वापस चल गया। अभी गाड़ी पकड़ लेना। कौन से मोहल्ले में रहते हो? इस्लाम नगर में। क्या करने आए थे? वो वालिस्तान का काम है यार। मथुरा में एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। मामला थाना मुर्गा के गांव रसूलपुर का है, जहां थाने में खड़ी पीड़िता ने बताया कि वे अपने घर पर खाना बना रही थी कि तभी उसके ससुराल वालों ने घर में घुसकर उसके पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब उसने अपने पति को बचाना चाहा तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जब उसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की, बल्कि उसे रात में कई घंटों तक थाने में बिठाकर रखा। सुबह उसने दोबारा थाने जाकर अपना मेडिकल कराया। महिला का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने पहले भी दो बार उसके साथ मारपीट की है, अगर इस बार पुलिस इन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती तो वो अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। झगड़ा किसी बात में नहीं, रोटी बना रही थी रविवार में किचन में और इनके चबड़बरे में बीच विचारों कर रही थी। बीच विचारे हैं वो तो ये तो दिए छोड़, वो मैं मारी हूँ खबरें पर आई। हम थाने में 8 बजे से 12 बजे तक बैठे रहे, ना इन्हें ना कोई सुनवाई करी। पीछे बनने का सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक युवती ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने युवक को घर बुलाकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक ने खुदकुशी कर ली। वह युवक की खुदकुशी की खबर सुनते ही युवती ने भी खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। थाना रामपुर मनियारन के इस्लामपुर गांव में रात्रि में पुलिस को सूचना मिली, एक युवक के साथ एक घर पर मारपीट की गई है। इस पर पुलिस मौके पर गई और युवक के परिजनों को बुलाकर युवक को याद देते भेजा गया। अक्षय नवमी पर मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने वृंदावन की परिक्रमा लगाई, वहीं पुलिस के कड़े इंतजाम देखने को मिले। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अलग अलग राज्यों से मथुरा वृंदावन में हर साल अक्षय नवमी पर परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा वृंदावन में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज के दिन सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। आज के दिन मथुरा वृंदावन में परिक्रमा लगाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं परिक्रमा मार्ग पर डॉक्टर भी मौजूद रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पीलीभीत में बीते दिन गांव के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। आपको बता दें कि मामला पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद इलाके के ब्लॉक लिलोरी खेड़ा का गांव का है, जहां गांव में ही परिजनों की अनुपस्थिति में 16 साल की नाबालिग युवती के साथ गांव के ही 20 साल के युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं नाबालिग के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। देखिए जहानाबाद का मामला है,
जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने बलात्कार करने की तहरीर मिली है थाने को। तहरीर मिलते ही तत्काल SHO के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। लड़की को मेडिकल भेजा गया है, लड़की सेफ है और जो अभियुक्त है उनको हिरासत में ले लिया गया, उसको जल्दी से जल्दी न्याय हिरासत में भेजा गया। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें महानगर के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। चुनाव प्रभारी पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि 4 को ऑनलाइन और 7 नवंबर तक ऑफलाइन वोट बनाए जा रहे हैं। इसके बाद 5 नवम्बर से वार्ड में संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों के घर घर जाकर सरकार की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले बूथ मजबूत करें ताकि कोई भी नया मतदाता वोटर बनने से ना रह जाए, और जो नए वोटर हैं वो सरकार के काम से प्रभावित हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। महाराजगंज में अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने मदरसे का निरीक्षण किया, जहां बख्शी अहमद वारसी भी मौजूद रहे। वहीं आयोग के सदस्य के साथ फोटो खींचने को लेकर खींचतान होती रही। आपको बता दें कि ये वो ही मदरसा है जहां अंग्रेजी अध्यापक को जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं मालूम। इसी की शिकायत पर वारसी जांच करने पहुंचे थे। वहीं वारसी ने कहा कि मैं न दलाली करता हूं न ठेकेदारी, मुझे 40 साल भाजपा में हुए, नियमानुसार जो भी है वो रहेगा। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। किसान भारी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का आरोप है कि आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। साथ ही किसान कटीले तारों से परेशान है। किसानों की मांग है कि धान की फसल नष्ट हुई है, उनके पैसे किसानों को मिलने चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि मांगे पूरी ना हुई तो वो हड़ताल करेंगे। संबल में कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाए तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। वहीं उन्होंने दावा किया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना सुनिश्चित है। संबल जिले के चौड़ा कम्भों में चल रहे कालीधाम महोत्सव में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहती, सिर्फ इसकी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाए तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, मगर बीजेपी पहले ये बताए कि आरक्षण का क्या होगा। उन्होंने बीजेपी को झूठ का पुलिंदा बताया। तो वहीं स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, आतंकवाद, माओवाद पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड लाना ही नहीं चाहती, बल्कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ की बेताज बादशाह है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। कॉमन सिविल कोड अगर लाना है तो ये राज्यों में ला ला करके इस तरह का राजनीतिकरण और राजनीतिक फायदा लेने की बात क्यों कर रहे हैं। वहीं संभल में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने अरविंद केजरीवाल के नोट पर गणेश लक्ष्मी का फोटो लगाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नोटों पर भारत माता और कल की भगवान का फोटो भी लगाना चाहिए। वहीं इन्होंने गुजरात हादसे के लिए सरकार को कसूरवार ठहराते हुए जेल में डालने की बात कही। बता दें कि संभल लोकसभा सीट से सभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नोट पर गणेश लक्ष्मी के फोटो पर आपत्ति पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क में कभी कभी बाबर की आत्मा आ जाती है, इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं। संबल जिले के चौंडा कम्भों में चल रहे कालीधाम महोत्सव में उन्होंने कहा कि नोट का कोई धर्म नहीं होता, धन सभी को चाहिए, धन बिना कुछ भी नहीं होता। रात में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को गुजरात में उन लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। गुजरात में मोरबी की जो घटना है ये सरकार का फेलियर है, ये भ्रष्टाचार है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। संभल में पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। SP का PRO बनकर लोगों से वसूली करने का फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी से तमाम दस्तावेज भी बरामद किए। SP ने पूरे मामले का खुलासा किया है। संभल जिले के पुलिस अधीक्षक का PRO बताकर लोगों से अवैध वसूली करने वाली फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने का पूरा मामला बहजोई थाने का है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदीप पाल नाम बताने वाले आरोपी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM मोबाइल फोन सहित तमाम दस्तावेज बरामद करते हुए कड़ाई से पूछताछ
पूछताछ किया तो उसने अपना नाम रणधीर सिंह बताया और कहा कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से अवैध वसूली करता है। इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रणधीर सिंह खुद को संभल पुलिस अधीक्षक का पीआरओ और एडजी जोन बरेली का पीआरओ बताकर लोगों से वसूली करता था। यही नहीं, नाम बदलकर फर्जी पुलिसकर्मी का परिचय पत्र भी बनवाकर खुद को यूपी पुलिस का सिपाही बताकर लोगों पर रोब छाड़ता था। आज बहजोई पुलिस तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम संदीप पाल पुत्र विजय पाल सिंह है। ये थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम असमौली का रहने वाला है। वर्तमान में ये अमरोहा जिले में रह रहा है। इसके द्वारा एसपी संभल का पीआरओ अपने आप को बताते हुए तथा एडीजी जोन बरेली का पीआरओ कुछ लोगों को बताते हुए कुछ लोगों से मुकदमे में मदद कराने के नाम पर अवैध वसूली की गई थी। जब इस तरह की कंप्लेंट हमारे यहाँ प्राप्त हुई तो हम लोगों के द्वारा इसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। काशीपुर इन दिनों अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार हो रही हत्याएं और अपराध से दहल रहा है। अभी कुछ दिन पहले काशीपुर के कुंडेश्वरी गांव में खनन कारोबारी महल सिंह की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी जिसके तार सीधे कनाडा से जुड़े हुए बताए गए थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ उत्तराखंड पुलिस को सफलता प्राप्त हुई थी। वहीं आज एक बार फिर से काशीपुर में सार्फा व्यापारी को कनाडा से रंगदारी की कॉल आने के बाद पुलिस की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सार्फा व्यापारियों ने एएसपी से मिलकर कोतवाली में तहरीर सौंप दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। काशीपुर में सर तीन सार्फा व्यापारियों को सर धमकी दी गई, सर क्या है सारा मामला? सर कल एक विदेशी नंबर से तीन व्यापारियों को जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रकम रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल, और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। नहीं, हमने सभी को बताया है कि ये कुछ फेक कॉल से ऐसे भी हो सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है एक ही नंबर से कॉल कर रहा है और तीनों को अलग अलग नाम से बोल रहा है, तो वो किसी ये भी हो सकता है कि बीच में कोई उनका नाम का यूज करते हुए इस तरह से कर रहा हो। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में लागू की जा सकती हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में मिलकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र द्वारा उन लोगों को वित्तीय सहायता और प्लेसमेंट दी जाती है जिन लोगों की रुचि अलग अलग क्षेत्रों में है, और ऑनलाइन जाकर वो छात्र और छात्राएं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसके बाद उनको वित्तीय लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। नहीं, उनका जानकारी है, कुछ कुछ नया नया स्कीम होता है ना, उसका जानकारी हमको देना पड़ता है। नया स्कीम होता है तो हमारा ड्यूटी बनता है उसको जानकारी, जैसे पीएम दक्ष हम लोगों ने नया किया है तो उसको जानकारी हम लोगों ने दिया है, जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। पीएम दक्ष घर बैठे कोई बच्चा ऑनलाइन में जाके उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसको ऊपर जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम स्किल कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट का भी है, और प्लेसमेंट नहीं चाहते तो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए भी वित्त विकास निगम हमारे चार है, उसी से हम उसको फंडिंग कम ब्याज से उसको हम लोन देने का काम भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।